मॉर्निंग नमस्ते। आज हम आपको बताएंगे पार्ट 12 में हम अपने अपने काम और कामदार बताए गए थे कि कौन कौन से काम जो करते हैं उनको क्या कहते हैं और कार्य के अनुसार उनके कुछ नाम होते हैं और उनके काम अलग अलग होते हैं। किसान यदि खेती ना करे तो हमको अनाज नहीं मिलेगा। अगर वो कृषि कार्य करना बंद कर दे तो हमको अनाज नहीं मिलेगा, कहाँ से मिलेगा। इस तरह से यदि स्त्री है जो इस कार्य को जानता है, यदि वह अपने कार्य ना करे तो हमारे मकान कौन बनाएगा, खिड़की दरवाजा और अन्य तरह के लकड़ी के सामान, कुर्सी मेज बेंच टेबल इत्यादि सामान है, ये सब पलंग सोफा तथा जो भी लकड़ी के सामान है मिस्त्री न बनाए या विश्वकर्मा न बनाए तो ये सामान कौन बनाएगा। अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि सभी कार्य एक व्यक्ति नहीं करता, सब लोग अपने अपने अलग अलग कामों को करते हैं और सभी एक दूसरे का ऐसे में काम करता है और उनको उस कार्य का मेहनताना या परिश्रम का जो मजदूरी है या उनका पेमेंट है वो मिलता है और लोग अपना अपना कार्य करते हैं। कार्य किसी जाति विशेष के लिए नहीं है, इसमें जो भी कार्य व्यक्ति करने लगता है वो उस कार्य का जानकार हो जाता है और वह उस कार्य का कामगार कहलाता है। जैसे डॉक्टर है, दवाई करता है, दवाई डालता है, नॉलेज है तो वह चिकित्सक या डॉक्टर कहलाएगा। शिक्षक है जो पढ़ाने योग्य है, पढ़ा सकता है और उसमें पढ़ाने की क्षमता है बच्चों को, वह शिक्षक है। तो इस तरह से सबका कार्य बना हुआ है अलग अलग। दुकानदार है, अपना सामान बेचता है, उसमें से थोड़ा मुनाफा कमाता है। तो ऐसे में सामान बेचने के लिए जो लोग ऐसा कार्य करते हैं तो वह दुकानदार या व्यापारी कहलाते हैं और उनका यही काम है। उनका तो सामान कहाँ से उपलब्ध होगा, ये सब चीजें हैं, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ये सामाजिक सब लोग हैं, समाज में सब एक दूसरे से जुड़े हैं, एक दूसरे का काम करते हैं और हमारी जरूरत की पूर्ति होती है और सबके काम उसी तरह निरंतर चलते रहते हैं। बच्चों यहाँ पर दिया गया है प्रश्न की किताब में कि स्कूल ऐसी जगह है जहाँ कई लोग कार्य करते हैं, तो आप जानते हैं विद्यालय में कौन कौन से लोग कार्य करते हैं। आप जब स्कूल आते हैं तो आप देखते होंगे कि कार्य करने वाले कौन कौन से व्यक्ति हैं, के सबके कार बनते हुए हैं विद्यालय में, तो सबके कार है। इसी से आपसे प्रश्न का उत्तर हम ले सकते हैं कि हम कौन कौन से कार हमारे स्कूल में होते हैं और कार्य करने वाले लोग कौन कौन से हैं। तो मैं यहाँ कंप लिखता हूँ,
करते हैं। घर में काम करने वाले कौन है? कौन कौन से हैं? आप बच्चों, मैं आपको बता रहा था ये प्यारे के लोगों के तार उसमें से घंटी बजाना कपड़ा का काम है। सामान करना
होगी। स्कूल में देखना Yeah.
विद्यालय में लोग अलग अलग होते हैं और अपना अपना कार्य करते हैं और विद्यालय की व्यवस्था चलती है और सभी लोग अपने कार्यों में लगे रहते हैं। क्या चित्र में ऐसे बच्चे भी हैं जो स्कूल नहीं जा रहे? क्या कर रहे हैं? कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो विद्यालय जाने में कतराते हैं और पढ़ने के प्रति उदास रहते हैं, पढ़ने में अपना मन नहीं लगाते। ऐसे बच्चे विद्यालय में जाते हैं और वो जाकर खेलते रहते हैं लगातार। दिया गया है कि पाली में ऐसी एक लड़की है जो स्कूल नहीं जाती, प्रकाश के बारे में जाते हैं। ये पाली अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी है, उसके पिता जी सब्जी की रेडी लगाते हैं और काम सब्जी का ठेला लगाते हैं।
वे सुबह 4 बजे की मंडी चले जाते हैं और उसकी माँ लोगों के घर बर्तन साफ करती है। वह सुबह जल्दी घर से चली जाती है। दीपावली अपने भाई बहनों के लिए खाना बनाती है। घर की सफाई के साथ साथ वह बर्तन भी मांजती है। उसे रेडियो सुनने का बहुत शौक है। काम करते समय वह साथ साथ गाने भी सुनती है, सुनती रहती है। काम करते करके वह अपने छोटे भाई राजू को पिताजी की रेडियो पर सुनती है। फिर अपने छोटी बहनों सुमन और सीता को स्कूल ले जाती है। उसके बाद दीपावली अपनी माँ के साथ काम में हाथ लगाती है। दोपहर को वह अपने भाई बहनों को घर लाती है। शाम को वह सभी बच्चों के साथ गली में खेलती है। शाम करने पर उसकी माँ घर आती है। दीपावली खाना पकाने में माँ की मदद करती है। उसके पिताजी देर रात को भी घर लौटते हैं। इस तरह से कुछ बच्चे होते हैं जिनके घर में अपने इतने सारे काम अपने माता पिता दे देते हैं। कुछ घर की गतिविधियां भी होती है, पिता माता घर में रहते हैं, काम पर निकल जाते हैं। तो वह बड़ी बहन होने के नाते अपने छोटे भाई बहनों को विद्यालय भेजती है, खाना बनाती है और तमाम तरह के काम करती है घर के। तो इस तरह के कारण भी बच्चे स्कूल कुछ स्कूल जाने का मौका नहीं मिलता है। हमें उनके लिए भी स्कूल जाने का मौका देना चाहिए ताकि वह भी पढ़ सकें और उनका भी मन विद्यालय में लग सके। दीपावली रात को मिस्टर बलदेव कर अपनी बहनों की स्कूल की किताबें पढ़ती है। वह तीसरी कक्षा तक पढ़ी है। 3 साल पहले जब उसका छोटा भाई पैदा हुआ तब से दीपावली को घर पर रहना पसंद रहा है। ध्यान रखने के लिए वह फिर से आगे नहीं पढ़ पाई। पिता को लगता है कि किताबें पढ़ने से उसकी दिन भर की थकावट दूर हो जाती है। शायद आज भी उसे मौका मिले तो वह स्कूल जाना चाहेगी। अब दीपावली ने स्कूल में दाखिला वापस ले लिया है और स्कूल भी अब वह रोज जाती है। दीपावली की वजह से बताया गया तो क्या क्या काम करती है तो मैंने आपको बताया। दीपावली घर में सभी कार्य करती है। घर के जो होते हैं झाड़ू पोछा बर्तन रोटी बनवाना, माँ की सहायता करना, बच्चों को तैयार करना, उन्हें मनवाना करना, छोटे भाई बहनों को और उन्हें स्कूल भेजना, शाम को फिर उसे वही काम है स्कूल से लाना और उन्हें खाना बना कर खिलाना। इस तरह से उसके दिन भर के सारे काम जो थे पढ़ाई में बाधा पहुंचाते हैं। किंतु पिता और लोगों के कहने के आधार पर वह पढ़ने लगती है। जिस तरह से बच्चों हमें भी चाहिए कि हम अपने समय निकाल करके जैसा भी हो घर के काम करने के बाद हम कहीं ना कहीं विद्यालय जरूर जाए और अपने पढ़ाई में मन लगाए। क्या तुम भी अपने घर को घर के काम करते हो? यदि हाँ तो कौन कौन से आप मेरे घर के काम करते हैं? तो अपने हिसाब से सबके घरों में अलग अलग तरह के कार्य होते हैं, तो आप जो करते हैं उनको यहाँ बता सकते हैं, लिख सकते हैं। क्या तुम घर के काम के अलावा और कोई काम भी करते हो? क्या ये बताना है घर में और कौन कौन से काम करते हो या घर के काम के अलावा अन्य कोई काम करते हो तो यहाँ पर लिखना है। ये आपकी पर्सनल आपकी अलग अलग घरों
अलग अलग प्रकार की व्यवस्था हो सकती है, उसी के आधार पर आपको बनाना है। तुम्हारे परिवार में कौन कौन से लोग रहते हैं, घर के काम करते हैं, क्या क्या काम करते हैं, तालिका पर भरो, ये बाकी आपको करना है और बताना है। इसमें माना कहने का मतलब हो गया कि हमारे परिवार के सदस्य क्या क्या करते हैं और क्या उन्हें समय मिल पाता है कि नहीं, हमें भी विद्यालय जाना चाहिए, जो बच्चे विद्यालय नहीं जाते हैं उन्हें प्रेरित करना चाहिए और उनको पढ़ाई के प्रति उनका रुझान करना चाहिए ताकि वो भी पढ़ सकें और उनका किसी भी तरह का कोई बीमार ना पहुंचे और वो अपने आप आगे बढ़ सके ताकि वो आगे चल के आत्मनिर्भर हो सके। इसलिए पढ़ना बच्चों बहुत जरूरी है सभी को, क्योंकि बिना पढ़ाई के मूल व्यक्ति वह जो है अपनी प्रगति नहीं कर सकता। बच्चा को है पढ़ा लिखा नहीं, पढ़ना लिखा सभी को अनिवार्य है, साथ में आपको खेलना भी अनिवार्य है। खेलने से शरीर स्वस्थ रहता है, आपका दिमाग आपका मन मस्तिष्क स्वस्थ रहता है, तो पढ़ाई के साथ साथ खेल भी दिखाइए, खेल खेलिए भी। और अन्य कार्यक्रम जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम है, गाना है, संगीत है, कला है, ऐसे में हर चीज में थोड़ा थोड़ा रुझान करिए। जिस दिशा में आप जाना चाहते हैं आप उस दिशा में जा सकते हैं। जिस तरह से बच्चों ये पाठ में यही बताया गया है, नाम नाम विषय में हमारी इसके अगले चरण में फिर बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।